स्मृति ईरानी ने ये अपना बयान दिता सीगा इस दे उत्ते कि कंपनीज़ दे विच पेड लीव नहीं होनी चाहीदी, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, बट उस वक्त कुछ कुड़ियां दी जड़ी कंडीशन हुंदी है वो क्रिटिकल क्रिटिकल हुंदी है, ते जिवे की कहा कि 3-4 डेज, कई नु 3-4 डेज हुंदे, कई नु 2 डेज हुंदे, ते कई नु 7 डेज भी हुंदे, है ना, ते कई बार ना इररेगुलर पीरियड्स भी चल रहे हुंदे। मैं उन्हां कुड़ियां नु ये भी कहना चाहूंगी कि जेकर थोड़े कोई 7 डेज आंदे या 6 डेज 5 डेज जिवे भी आंदे है तो तुसी घबराना नहीं है। डाइट है जो तुसी खाना खांदे हो सारा दिन च, वो अप डाउन हो जावे, ओदे ते ओदे कारण तुहाडे जिहड़े पीरियड हुंदा या सर्कल हुंदा ओदे ते भी इफेक्ट पैंदा है। अपनी जिहड़ी डाइट है वो अच्छी लो, अच्छी लो इहदा मतलब कि मैनूं लगदा फ्रूट्स हर कितें मिल जांदे ने, है ना, जां फिर तुसी खाना नहीं खा सकदे हो फ्रूट सैलड एवें दीआं चीज़ां तुसी हमेशा अपनी डाइट के रखो। पीरियड्स के आते नहीं है, नहीं एवं नहीं होना चाहिए, साफ सफाई ही ना रखो अपनी, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, इचिंग होन लग जाती है ना, एंड उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि जो पीरियड्स का टाइम होंगे ना उस टाइम तुम एक तो मसाले वाली चीज़ बिल्कुल अवॉइड करो, 4-5 डेज जिन्हें भी दिन थोड़ा पीरियड्स रहेंगे उन्हें दिन अवॉइड करो बिल्कुल। वो जी वॉर्म बॉटल की बॉटल आती है मे बी थोड़े को भी है ना, उस स्टमक के लिए बैक पेन के लिए बड़ा आराम दिंदी है। स्कूल टाइम जो पीरियड्स आते हैं ना उस टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स नाल टीचर्स नाल जरूर एक लैसन मिलना चाहिए पीरियड्स क्लास का। 4 घंटे मैक्सिमम आई थिंक 4 या 5 घंटे तो बाद तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कुड़ियाँ कहें यार इन्ना फ्लो नहीं सीगा मैं तो सवेर का लगाया है, वो करके की है इचिंग होंगी है, तो रैशिज हो जाते हैं, तो स्किन प्रॉब्लम्स जड़िया ने वो हो जाए ने। सत श्री अकाल, मैं सिमरन। सत श्री अकाल, मैं काम्या। तो स्वागत करते हैं जी असं तो गल जरा सुन के। सो अज काम्या असं कि टॉपिक पर गल करन वाले हैं? अज आपां गल करन वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक पर, तो मैं लगता है इस टॉपिक पर गल करना बहुत ही जरूरी है। एनी केसेस? पीरियड्स। ओह बिल्कुल सही। क्या टॉपिक? एक ये वाला टॉपिक है जिसके बारे पता सब नु है पर गल कोई भी करना जरूरी है समझना, तो गल करना बहुत जरूरी है, इसलिए सोचा कि आज मैं ते तुसी इस टॉपिक पे गल करेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही किया कि पता सारिया नु है बट खुल के कोई गल नहीं करता। ईवन शुरुआत अगर असी करिए ते अपने फैमिली मैंबरस तो ही करना चाहवांगी मैं कि जिवें जदों कुड़ियां नू पीरियड्स आने शुरू होंदे आ जिस एज दे विच, है ना, टीन एज दे विच लाइक 14-15 कईयां नू इस तो पहलां भी आ जांदे आ, है ना, ते उदों जिहड़े आ एक मैथोलॉजी बनी हुई है कि है ना कि ये चलिया आ रहा है जी इदां ही है, तो मतलब कि कोई भी ईवन पेरेंट्स मम्मा साढ़े जिहड़े आ, है ना, वह भी खुल के नहीं अपन बच्चियां नू दसदे कि ये की है क्यों है किवें इदा क्यों हुंदा आ, है ना, तो मैंने लगता है कि इन्हों दसना चाहिए कि ये एक साड़ी लाइफ का पार्ट है, ये तो डरन की जरूरत नहीं है, ये क्यों हुंदा आ, है ना, कुड़ियों लिए क्यों जरूरी है ना, ये सब चीज़ा सानू मैं लगता है कि गल्लां करनियां इहदे ते जरूरी है। अगर एक माँ दसेगी तो वह एक मैं लगता है कि सब तो वधिया चीज़ ये हुंदी है, तो जो कुड़ियों नू आंदे कई कुड़ियां डर जांदियां ने, है ना, तो साढ़े जिहड़ियां मम्मियां हुंदियां ने, है ना, वह हमेशा ये गल कहिंदियां हाँ इदां हुंदा आ, ये लो जी, है ना, तुसी ये पैड यूज़ करो, ये कपड़ा यूज़ करो, इदा रखना चाहिए, ये है वो है, तो मतलब वह भी छुप छुपा के सानू। ईवन तुसी जो किसी दुकान ते किसी भी कैमिस्ट शॉप ते जो तुसी सैनेटरी पैड्स लैन जाते हो, है ना, तो वह तुहानू एक ब्लैक पॉलीथीन पेपर दे विच रैप करके देंदे आ, राइट, तो मतलब कि ये चीज़ा मैनू लगता है कि हर एक नू पता यार, मैनू लगता अज दे जे मैं गल करा एक एवें दी चीज़ है जिदे करके साडा जिहड़ा कह लो वंश अगे वधदा आ, है ना, तो मैनू लगता है कि तुसी ये चीज़ ना करो कि इहदे तो नफरत ना करो, इहदे तो ये चीज़ ना करो कि हाँ भी एक घिरना जी जिवें करदे आ लोग, है ना, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए है, तो तुसी अवेयर होने चाहिए हो कि क्यों है किवें है किदा आ, ये सब चीज़ों की गल होनी चाहिए है। एग्जैक्टली इसलिए आप अज ये टॉपिक खास सुनिया कि अज जिहड़े अपने लिसनर्स है अपने जिहड़े भी व्यूअर्स है वो चीज़ तो सतर्क होन कि ये चीज़ा करनी चाहिए या चीज़ा होनी जरूरी है, लाइफ का पार्ट है। तुसी बिल्कुल सही किया कि 14-13-14 की 18 एज की एज भी स्टार्ट हो जाता है ना, तो कई कुड़ियों नू पहला भी स्टार्ट हो जाते छोटी कुड़ियों, है ना, जो स्कूल पढ़ती है स्कूल टाइम में जो पीरियड्स आते हैं ना एकदम तो
उस टाइम ना एवं लगता उन्होंने कि आ की सिचुएशन होगी, मैं लगता है कि ये चीज़ ना जो कुड़ी थोड़ी जी वड्डी होने लगे ना मे बी शायद से थर्ड और फोर्थ क्लास दे विच उस टाइम पेरेंट्स नू थोड़ा थोड़ा दसना स्टार्ट कर देना चाहिए मॉम नू। इवन मैं तो सुनिया सी कि साडे स्कूल विच ना जो मे बी वी आर इन प्लस टू उदो एक रूल बनया सी कि जो बच्चा क्लास विच लाइक इन फोर्थ क्लास विच होवे तां बच्चे नू दसना स्टार्ट करे टीचर्स जिहड़े है वो एक अलग टॉपिक देवे तो फिर टॉपिक दे विच वो दसे कि ए सीन हुंदा ते किस तरीके नाल वो पैड यूज करदे है ते किस तरीके नाल हर चीज़ दसी जांदी है। तो तुम्हें पता है कि साडे स्कूल दे विच भी ना एक रोल बनया सी कि बच्चों नू जदों थर्ड या फोर्थ क्लास विच होवे तां टीचर्स जिहड़े है वो दसे कि बेटा इस तरीके नाल पैड यूज करी दे ते ए चीज़ जिहड़ी है नैचुरल प्रोसैस है, इस चीज़ तों घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल सुनिया सीगा। ईवन हुण चलो बहुत सारी जिहड़ी है अवेयरनेस भी होगी। एक चीज़ जिहड़ी मैं इहदे विच ऐड ऑन करना चाहुंदी हाँ काम्या, बहुत सारे ना मिथ तुसी सुने होणगे लाइक जद तुसी पीरियड्स दे विच हुंदे हो सिर नहीं धोणा चाहीदा, जां फिर जदों तुहाडे पीरियड्स चल रहे ने खट्टा नहीं खाणा, अचार अवॉइड करो, मंदिर नहीं जाणा, तुसी हमेशा की है कि घर के किचन दे विच कई लेडीज होंदियां है ना, तो इहदे नाल ना की है कि साइंटिफिक जिहड़े रीजनस ने वो जुड़े ने, ना कि तुसी एक ये चलो कि हाँ ये कोई भयानक चीज़ है जिहदे नाल तुहानू डरना चाहिए, तुसी अपवित्र हो जाते हो इसलिए तुसी मंदिर नहीं जा सकते। मैं एक ना कोई पंडित सी, आई डोंट नो, मैं उन्हों दी रील देखी सीगी, एक उन्हों दा एपीसोड वेख्या सी जिहड़ा कि इहदे ते ही सी, उहदे विच उन्होंने ये दस्सिया सीगा कि जिहड़ियां लेडीज़ हुंदियां ने पुराने समयां दे विच की सीगा कि वह जिद्दां सारा काम करदियां सीगियां घर दा बाहर दा ये वो है ना, तो मतलब कि ईवन पूजा जदों करदे सीगे तो पूजा वेले भी तो वह मंदिर साफ करना बहुत सारिया चीज़ा हुंदियां ने, मंदिर नू साफ करना बहुत वड्डी गल हुंदी है। तो की हुंदा कि वह जदों लेडीज़ अपने वह वाले पीरियड दे विच हुंदी है, पीरियड्स चल रहे होंगे है, उदा सर्कल चल रहा होंगे उदों वह बहुत लो फील करती है ना, तो उदे करके उदी जड़ी एनर्जी है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, कितना कितने नैगेटिव थॉट्स भी साढ़े अंदर आते हैं जिन्होंने असी मूड स्विंग्स भी कह दें है ना, असी हमेशा रूड रहने वो दिनों दे विच। तो मतलब उदा रीज़न ये सीगा कि उन्होंने जो दसिया कि ये इसलिए हुंदा सी कि जिहड़ी लेडी है उस वक्त कमज़ोर हुंदी है, उन्हों ज़्यादा जिहड़ा ये शरीरिक काम नहीं करना चाहिए, तो मतलब कि यही कुछ दिन होंदे सीगे जो वह कह लो कि रेस्ट मोड ते जांदियां सीगियां, तो ये एक उदा साइंटिफिक रीज़न है। तो जिवें असीं कह दिंदे वाल धोण वलों भी तो उदा भी कितने ना कितने यही रीज़न आ कि जिहड़े साडे पोर्स होंदे ने वह ओपन हो जाते हैं, तो ताकि तुहानूं अगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए जो एक एज तुसीं क्रॉस कर लेंगे हो उस तो बाद तुहानूं एक प्रॉब्लम ना आए ते वो रीज़न हुंदा। तो दूजा रीज़न ये हुंदा कि जदों असीं ठंडे पानी नाल या ठंडे उहदे नाल सिर धोने आ है ना, तुसीं वेख्या होएगा कि ब्लड जिहड़ा है जदों साडा किते भी कट लगदा हल्का जिहा तां असीं पानी दे नीचे कर लैंदे आ ठंडे पानी दे नीचे, उहदे नाल की रुक जांदा है ते वो उस वजह करके साढ़े पीरियड्स से इफेक्ट करता है जो तुम ठंडे पानी के नाल सिर धोते हो, तो मतलब कि इस करके है साइंटिफिक रीजनस जिदा मैं पहला भी कहा कि इसलिए तुहानू ये चीज़ा अवॉइड करनिया चाहिए ने। तुसी बिल्कुल सही दस्या कि जिहड़ा हैड वॉश है ना बात मैनू भी नहीं पता सी एक्चुअली, आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैनू नहीं पता सी ये गल कि हैड वॉश आपां क्यों नहीं करदे, ये पता सी कि थर्ड डे करना चाहिए बट ये नहीं पता सी कि क्यों नहीं करदे, पर अज बहुत सारे कुड़ियों नू पता लग गया होगा कि क्यों नहीं करदे, की रीज़न है ना, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न हुंदा बट कुछ माइंड इदां दे बना दिंदा कि ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮਾਈਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨਸ ਹੋਣਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੈਮਸ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸਟਮਕ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪੇਨ, ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਫ ਹੋ ਜਾਏ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿ ਤੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
आई थिंक ये तो नैचुरली आ, क्योंकि देखो ए, मैं कह कि मैं कोई डॉक्टर नहीं है ना, मैनू इस तरह है, बट आई थिंक हाँ आई थिंक ये नैचुरली हुंदा है। कई कुड़ियों ने मैं देखा है कि बिल्कुल भी पेन नहीं हुंदा, कहिंदी हाँ सानू नॉर्मल है, 3 days 4 days ओके आ, बट सानू कोई एवें नहीं हुंदा। बट कुछ केसिस एवें दे हुंदे ने जिन्हां नू बहुत ज़्यादा पेन हुंदा आ, तो फ्लो भी बहुत ज़्यादा हुंदा आ, तो वह कुड़ियों नू लगता है कि हाँ यार छुट्टी लै लेनी चाहिए है। हुण आई थिंक 2-4 दिन पहला दी ही गल आ, स्मृति ईरानी ने ये अपना बयान दिता सीगा इस दे उत्ते कि कंपनीज दे विच पेड लीव नहीं होनी चाहिए, ये कोई बीमारी नहीं है। ओके, ते मैनू ये लगता है कि ठीक है ये बीमारी नहीं है, बट उस वक्त कुछ कुड़ियां दी जिहड़ी कंडीशन हुंदी है वो क्रिटिकल हुंदी है, कईआं नू इहदे नाल लूज मोशन एंड वॉमिटिंग्स हो जांदियां ने, ईवन मैनू मोस्टली इदा हुंदा आ। बट हाँ चलो फिर भी एक कह लो कि अपा मैं बहुत रेयर छुट्टी लैनी होवांगी, बट अगर मेरे ऑफिस दे विच ए होवे, कंपनी दे विच ए होवे, तां शायद मैं जरूर छुट्टी लैंदी है ना, बिकॉज ना फर्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा पेन हुंदा ही हुंदा है ना। तो वही चीज़ है कि ये चीज़ा असं ये नहीं कह सकते कि हाँ कि छुट्टी लैनी चाहिए है या नहीं लैनी चाहिए, ये मैं लगता कि परसन टू परसन वैरी करता है जी। तो जिमें कि कहा कि 3-4 days कई three-four days होंगे, कई 2 days होंगे, तो कई 7 days भी होंगे है ना। तो कई बार ना इरेगुलर पीरियड्स भी चल रहे होंगे, इरेगुलर पीरियड्स PCOD की प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन दिख रही है कुड़ियों के है ना। हर किसी की बॉडी है ना वो अलग इंपैक्ट करती है, किसी ने तुम कहा कि फ्लो बहुत ज्यादा, किसी को घट हों, किसी को हों ही नहीं है, किसी को पेन भी नहीं हों, ये चीज़ डिपेंड करती है परसन टू परसन। पर मैं उन्होंने कुड़ियों को यह भी कहना चाहूँगी कि जेकर थोड़े कोई 7 days आते हैं या 6 days 5 days जिमें भी आते हैं, तो घबराना नहीं है, ये देखे कि यार इन्हें दिन आते हैं, मेरे इन दिन क्यों आते हैं, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, इट्स अ नैचुरल प्रोसेस। बाकी अगर जी इरेगुलर पीरियड्स होंगे तो अपने गायनोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, बिकॉज बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि जेकर आप कॉन्टैक्ट नहीं करते, इरेगुलर चलते रहते ना उस टाइम, तो सिचुएशन बहुत जाके अगे जाके बढ़ जाती है। इसलिए जो भी थोड़ा लगे कि थोड़े पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या पीरियड्स जोड़े हैं वो सही तरीके नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम थोड़ा अपने गायनी जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही किया। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि साढ़े ना इतने जो कुंवारियां कुड़ियां गायनी को जाए ना, तो बड़ा गलत मतलब कढ़िया जाता है ना कि पता नहीं इनू की प्रॉब्लम होएगी, बट गायनी इज़ नॉट ओनली कि हाँ जिहड़ियां व्याहियां हुई ने या प्रैगनेंट वूमेन्स ने उ ही जाएँ ने। जो तुम कुंवरे होंगे हो, जिमें क्या कि वर्किंग वूमेन्स ने, उन्होंने बहुत सारिया प्रॉब्लम आदि, हूँ तुम वेख लो तुम कदे ट्रैवल करोगे या फिर टाइम बहुत हैक्टिक चल रहा है, तुहाडा जिहड़ा डाइट है जो तुम खाना खाते हो सारा दिन वो अप डाउन हो जाए, वो कारण थोड़े जोड़े पीरियड होंगे या सर्कल होंगे वो भी इफेक्ट पैदा है ना। असी डर जाने कि यार पता नहीं इस वारी लेट हो गए, इस वारी जल्दी आ गए, कई बार ये होंगे कि मंथ से तुम दो वारी आ रहे हैं है ना, तुहाडा सर्कल जोड़ा आ वह बहुत छोटा हो जाता है, या कही कि कई 1.5 महीने बाद आते हैं, केस दे विच तुहानू जरूर अपने गायनी नाल कंसर्न करना चाहिए। दूसरा ये चीज़ हो जाती है कि तुसी जदों वर्किंग हुंदे हो तो उहदे करके तुहाडा जिहड़े डाइट है, ठीक है तुसी खाना आपां टाइम नाल नहीं खा पाते, बट ये जरूर ध्यान रखो कि तुसी अपनी जिहड़ी डाइट है वह अच्छी लो, अच्छी लो दा मतलब कि मैनूं लगता फ्रूट्स हर कितें मिल जाते हैं है ना, जां फिर तुसी खाना नहीं खा सकते हो फ्रूट सैलड एवें दीआं चीज़ां तुसी हमेशा अपनी डाइट दे विच रखो, ते उहदे करके की है कि तुहाडा जिहड़ा तुसी हेल्दी रहिंदे हो। तो ये चीज़ा जिहड़ियां सानूं छोटियां छोटियां चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एंड हाइजीन का जरूर ध्यान रखो क्योंकि ये करके बहुत सारिया स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएं ने, तुसी अनहाइजीनिक रहिंदे हो, तो कई कुड़ियों का यह होंगे कि नहीं यार पीरियड्स के नहाते नहीं है, नहीं एवें नहीं होना चाहिए। तुसी मैनू लगता है कि ठीक है फर्स्ट डे जरूर अवॉइड करो, बट यही नहीं है कि वो चक्कर से तुसी साफ सफाई ही ना रखो अपनी, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, इचिंग होने लग जाती है ना थोड़े गुप्त अंग्स के, मतलब वो चीज़ों का तुम्हें जरूर ध्यान रखना चाहिए है। तो सिमरन ने तो थोड़ा दसता कि डाइट जी है वो कि खानी चाहिए है, हूँ मैं थोड़ा दसदी हाँ जो मैं लगता है, एंड मेरे डॉक्टर ने भी मैंने दसिया कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरे बहुत ज़्यादा पेन होंगे फर्स्ट डे, बैक पेन, स्टमक एंड वॉमिटिंग भी होंगी ओके, एंड उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि जो पीरियड्स का टाइम होंगे ना उस टाइम तुम एक तो मसाले वाली चीज़ बिल्कुल अवॉइड कर दो,
ਹੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ 'ਚ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਊਡਲਸ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜੰਕ ਫੂਡ 4-5 ਡੇਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਚੀਟ ਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਆਲ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਹਮੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੋਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਜੋ ਡਾਇਟ ਦੱਸੀਏ ਉਹ ਡਾਇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਾਵਲ ਖਾ ਕੇ ਵੋਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਮਕ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਫਟਲ ਹਾਂ ਮੈਫਟਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸੇਜ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਟੋਲਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਪੇਨ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰਮ ਬੋਟਲ ਦੀ ਬੋਟਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟਮਕ ਦੇ ਲਈ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਬੋਟਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੋਟਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਕ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗੂਗੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਪੈਡਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਸਟਰੇਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਨੇ ਟੈਂਪੂਨਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਆ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਰੀਕੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉਹ ਹਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਵਨ ਫਸਟ ਡੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚਸ ਖੇਡੇ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਟਸ ਆਫ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੀ ਆਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਤਲਬ ਆਲ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਆਲ ਦਾ ਔਮਨਸ ਆਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਕਿ 4-5 ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਲ ਵੂਮਨ ਆਰ ਸਟਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਫਾਂਸੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਇਵੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਬਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਬਟ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ
ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਗਲੇ ਟੋਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟੋਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੱਪ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਟੋਪਿਕ ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਪੈਡਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਪੈਡਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ